वंदे मातरम मित्रों, केतु खाना नंबर 12 में बैठा हो, लाल किताब इस विषय पर क्या कहती है? आज बात इस विषय पर। मित्रों, केतु खाना नंबर 12 में उच्च का माना जाता है, अर्थात सदैव शुभ कारक और व्यक्ति को यश दिलाने वाला होता है। केतु खाना नंबर 12 में बैठा हो, सदैव शुभ फल देने वाला, जीवन में व्यक्ति को यश दिलाने वाला होता है। ऐसे मेरे मित्र धनी मानी उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होते हैं। केतु खाना नंबर 12 में जिन मेरे मित्रों का बैठा हो, शुभ कार्यों पर खूब धन खर्च होता है। यदि बुध खाना नंबर 6 में बैठा हो और केतु खाना नंबर 12 में बैठा हो, तो इन शुभ फलों में और अच्छी वृद्धि हो जाती है। केतु खाना नंबर 12 में बैठा हो, शनि शुक्र या गुरु खाना नंबर 6 में बैठे हों, तो ये योग व्यक्ति की संतान के लिए बहुत श्रेष्ठ योग बन जाता है। केतु खाना नंबर 12 में बैठा हो, व्यक्ति की 24 वर्ष की आयु या संतान के जन्म के बाद व्यक्ति को जीवन में धन लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। केतु खाना नंबर 12 में बैठा हो और यदि खाना नंबर 2 में शुक्र चंद्र या मंगल बैठे हों, तो फिर केतु का प्रभाव अशुभ हो जाता है। केतु खाना नंबर 12 में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में खूब यात्राएं करनी होती हैं। केतु खाना नंबर 12 में बैठा हो और केतु के साथ खाना नंबर 12 में गुरु भी बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में आध्यात्म की ओर रुचि ले लेता है, जिससे वो योग ध्यान समाधि और अंततः वो मोक्ष तक पहुंच जाता है। केतु खाना नंबर 12 में हो तो मित्रों, एक बात का विशेष रूप से यहाँ ध्यान रखना होता है कि जब भी ऐसा व्यक्ति अपने मकान के निर्माण के लिए जमीन खरीदता है या बना बनाया मकान खरीदता है, तो जिस तरह के व्यक्ति से वो मकान या वो जमीन खरीदता है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर व्यक्ति ने जिसका केतु खाना नंबर 12 में बैठा है, उसने किसी ऐसे व्यक्ति से जमीन या मकान खरीदा जो व्यक्ति निसंतान है, तो उस जमीन पर घर बनाने के बाद ऐसा व्यक्ति स्वयं भी निसंतान ही रहता है। तो जब भी जमीन या मकान लेना हो, तो किसी अच्छे व्यक्ति से, कहने का तात्पर्य ये है, जो संतानवान हो, जो यशस्वी हो, ऐसे व्यक्ति से ही जमीन खरीदें। केतु खाना नंबर 12 में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को एक कुत्ता अवश्य पालना चाहिए और उसकी सेवा करते रहनी चाहिए। अगर एक कुत्ता मर जाए तो तत्काल दूसरा कुत्ता लाकर उसे पालना चाहिए। तो केतु खाना नंबर 12 के सभी अशुभ प्रभाव शांत रहते हैं और केतु खाना नंबर 12 के शुभ प्रभावों में वृद्धि हो जाती है। केतु खाना नंबर 12 में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को अपने कारोबार में
अपने पुत्रों का सहयोग लेते रहना चाहिए तो केतु खाना नंबर 12 के सभी अशुभ प्रभाव शांत रहते हैं। जिन मेरे मित्रों का केतु खाना नंबर 12 में बैठा हो उन्हें साल में एक बार, जी हाँ मित्रों, वर्ष में एक बार नियोजित ढंग से किसी यात्रा पर अवश्य जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें साल में एक बार व्यर्थ की अनचाही यात्रा करनी पड़ती है। जी हाँ मित्रों, अच्छा मित्रों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें, इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।